अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं दोस्तों? आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि कबूतर के बच्चों और बड़े कबूतरों और पट्ठे पुठियों में ख़ास तौर पे जो है जहर बात की वजह से आंखों पे दाने बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक कबूतर आप नया कबूतर अगर आप लेके आए गुड्डे में, तो नए कबूतर को जो पुराने कबूतर हैं चूँचे मार मार के उसकी आँख जख्मी कर देते हैं। आँख जख्मी करते हैं तो उसमें खून सा जम जाता है, तो अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो दोनों पलकें हैं जो पलकें आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने की वजह से जो कबूतर की आँख है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। या बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जहर बात की वजह से जो कबूतर की आँख है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। वैसे तो मैंने जहर बात का इलाज बताया है, आँखों का भी इलाज बताया, लेकिन ये इलाज इस सिलसिले में है अगर आँखें बंद हो जाएं, अगर आँख बंद हो जाए तो उस सिलसिले में ये इलाज है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले शेविंग ब्लेड लें, उसको इस टाइप से काटें जिस तरह नोकदार बन जाए, जिस तरह छुरी की नोक होती है इस टाइप का आप उसको काट लें। एक बिल्कुल ब्रीक सुई लें, छोटी सी ब्रीक सुई लें, उसमें धागा गुजार के धागा डालें। धागा डालने के बाद सुई को जो बिल्कुल आपने हिसाब से डालना है कि जे अंदर आँख को टच ना हो, उसमें पलकों में से धागा गुजारने के बाद सुई गुजारें। गुजारने के बाद उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लें आप, उठाने के बाद शेविंग ब्लेड से इस तरह आप काट दें। दरमियान से आप, आपको अगर तो नज़र आ रहा हो जहाँ से आँख बंद है वहाँ से काट दें, अगर नहीं नज़र आ रहा तो बस अंदाजे से सेंटर से आप उसको काट दें। काटने के बाद आपने मोमन देखा होगा कि कबूतर आँख झपकने के लिए जो निचली पलक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो आप एहतियात से इस तरह करें कि ऊपर वाली पलक में धागा डाल के सिर की खाल के साथ एक टांका लगा के एक दो रोज़ के लिए उसको उसके साथ बांध दें, क्योंकि फिर इस तरह है कि अगर आप बांधेंगे नहीं तो कबूतर की पलक फिर जुड़ने का खतरा होता है। तो अगर तो पलकें जुड़ी हुई हैं फिर तो ये इलाज है, अगर पलकें नहीं जुड़ी हैं या जुड़ी हैं ये अमल करने के बाद आप इस तरह करें कि एक कप आधा कप लें अरके गुलाब, उसमें दो चने के बराबर फटकड़ी डाल लें, जो फटकड़ी होती है वाइट कलर की आपने देखी होगी, तो वो डाल लें। उसमें डालने के बाद उसको शेक करने के, जब फटकड़ी हल हो जाए तो उसको किसी ड्रॉप में डाल लें। ड्रॉप जो आम आपने देखा होगा कि इंसान इंसान कानों के लिए आँखों के लिए इस्तेमाल होता है, वो किसी ड्रॉप में डालने के बाद दो कतरे आपने सुबह डालने हैं, दो शाम को डालने हैं, दो सुबह दो शाम को। अगर तो आँख आधी खुली हो तो फिर तो ठीक है, अगर आँख बिल्कुल बंद है तो जो मैंने तरीका आपको पहले बताया है उस तरीके से आप ये इलाज करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। नासर।